सो यार फ्रेंड, जो भी आसूस फोन के लवर है उनके लिए एक बहुत ही बड़ा स्पेक्स निकल कर सामने आया है, या यूं कहे तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है कि यार फ्रेंड, आसूस लेकर आ रहा है अपना किलर लुकिंग फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन आसूस का मैक्स प्रो M3। बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन से और लुकिंग वाइज तो इसका कोई जवाब नहीं है। क्या क्या स्पेक्स है और कब तक लॉन्च होगा और क्या प्राइस रहेगी, ये सारे ही स्पेक्स हम इस वीडियो में देखेंगे और सारे डाउट में आपके क्लियर करूंगा। क्या आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए इस सेगमेंट में या नहीं लेना चाहिए, सारे ही डाउट क्लियर करूंगा, मैं अपनी ओपिनियन रखूंगा। तो आप अगर जानने के लिए एक्साइटेड है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करेंगे यार फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फ्रेंड फर्स्ट एज ऑल टाइम बात अगर इसकी डिस्प्ले से करेंगे तो यार फ्रेंड डिस्प्ले काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ IPS LCD पैनल के साथ इसकी डिस्प्ले आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ, जो कि कह सकते हैं आपकी डिस्प्ले में तो आपको कोई डाउट है नहीं, काफ़ी 1080x2080 के रिजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले आने वाली है। अगर कैमरा सेटअप की अगर बात करेंगे तो ये स्मार्टफोन आने वाला है क्वाड ट्रिपल रियर कैमरा 48+8+2 MP के कैमरा के साथ। वहीं पर सेल्फी शूटर की अगर बात करेंगे तो पेंचुअल कटआउट में आपको सेल्फी मिलेगी आपको 20 MP की, तो कह सकते हैं आपकी सेल्फी में भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं मिलेगा और बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन निकल कर सामने आ रहे हैं। हालांकि ये सारे ही स्पेक्स अभी ऑफिशियल नहीं हैं, जैसे ही ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन निकल कर सामने आएंगे मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन कुछ रूमर्स निकल कर सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अगर फाइनली इसके प्रोसेसर की बात करेंगे तो यार फ्रेंड इसमें प्रोसेसर मिलने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का हाई चिपसेट, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। और अगर बात करेंगे कलर वेरिएंट की तो सिल्वर कलर ब्लैक कलर अवेलेबल रहने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छा, पर्सनली मुझे सिल्वर कलर बहुत ही अच्छा लगता है। रैम एंड स्टोरेज की अगर बात करेंगे तो 6128, 464, 8256 के वेरिएंट अवेलेबल आपके पास रहने वाले, और आप इसमें 1 TB तक माइक्रो SD कार्ड जो है वो सपोर्टेड कर सकते हैं। अगर बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की तो एंड्रॉयड वर्जन 10 BSD स्मार्टफोन रहने वाला है, यानी कि सारे ही लेटेस्ट फीचर आपको मिलेंगे। फाइनली अगर बात करेंगे इसके बैटरी की तो यार फ्रेंड इसमें बैटरी मिल सकती है आपको 5000 mAh की फास्ट चार्जिंग के साथ Type-C पोर्ट के साथ। वहीं पे अगर बात करेंगे इसके लॉन्च डेट की तो ये स्मार्टफोन 1 दिसंबर 2020 को लॉन्च हो सकता है अकॉर्डिंग टू 91 मोबाइल। और इसके प्राइस की अगर बात करेंगे तो प्राइस रह सकती है 12,999, यानी कि 13,000 में इतने अच्छे स्पेक्स के साथ तो यार फ्रेंड बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी लेटेस्ट वीडियो के लिए और बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट।